दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत होता है तब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट को माना गया है कि ये बहुत गंभीर आरोप व्यक्ति के खिलाफ लग गया है, इसलिए वो घबराने लगता है। अब लोगों के मन में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि पॉक्सो एक्ट में जमानत कैसे होगी। कई लोग ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में बिना जेल जाए भी जमानत हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये संभव है। पॉक्सो एक्ट में बिना जेल जाए भी जमानत होती है, हमने भी कई करवाई है। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि पॉक्सो एक्ट में कब बिना जेल जाए जमानत होती है और कब जेल जाने पर ही जमानत हो सकती है, बाकी कोई रास्ता नहीं होता है। नाबालिग बच्चों के विरुद्ध हो रहे यौन शोषण को प्रोटेक्शन देने के लिए सन 2012 में पॉक्सो एक्ट को पास किया गया। अब जब किसी भी नाबालिग बच्चे के साथ कोई भी यौन शोषण का अपराध होता है या कोई भी लैंगिक अपराध होता है, तब वहाँ जो धाराएं साथ में लगी हैं उसके साथ में पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं लगा दी जाती हैं। पॉक्सो एक्ट स्पेशल बनाने का उद्देश्य ये था कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको बल प्रदान किया जा सके, इसकी कार्रवाई तेजी से की जा सके। चूंकि जो आईपीसी सीआरपीसी के तहत धाराएं लगती थी उसकी प्रक्रिया तो उसी हिसाब से चलती थी, इसको कुछ स्पेशल बनाने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया। अब दोस्तों पॉक्सो एक्ट में भी प्रमुखता दो खंड बनाए गए हैं, जो कि वैसे तो पॉक्सो एक्ट पूरा है, पूरा वेयर एक्ट है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो समाज में चल रहा है, जिसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला जो होता है, अगर किसी भी नाबालिग बच्ची के ऊपर बदनीयती से हमला किया जाए या और फिर उसका रेप किया जाए, तब पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 लगाई जाती है। और अगर किसी भी नाबालिग बच्ची किसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की जाए और उस पर हमला किया जाए, तो इस स्थिति में पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 लगाई जाती है। अब दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 लगाई गई है, तो यानी कि ये बहुत गंभीर अपराध हुआ है, इसमें सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की होती है, तब इस स्थिति में आपको बिना जेल जाए आपकी जमानत होना संभव नहीं है, क्योंकि आपको जेल जाना ही पड़ेगा, चूंकि ये बहुत बड़ा अपराध होता है। और इसमें जैसे ही FIR पंजीकृत होगा आपकी तुरंत गिरफ्तारी भी होने वाली है, आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, इसके बाद आपकी बेल होने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, कई लोगों की बेल अगर केस में दम नहीं है, फर्जी केस है, तो महीने 15 दिन में भी बेल हो जाती है। और कई लोग ऐसे हैं जो सालों जेल में रहते हैं फिर भी उनकी बेल नहीं हो पाती है, ट्रायल समाप्त होने पर ही अगर वो दोषमुक्त होते हैं तो उन्हें छूट जाते हैं, नहीं तो उन्हें सजा हो जाती है। खासकर मामलों में अगर जो व्यक्ति ट्रायल में जाकर दोषमुक्त होने वाला है उसकी बेल भी हो जाती है, चूंकि केस कमजोर होता है, और जो केस मजबूत होता है उसमें लास्ट में जाकर सजा भी हो जाती है। यह हो जाता है गंभीर वाला मामला। दूसरा मामला जो पॉक्सो एक्ट का लिखा जाता है वो लिखा जाता है 7 और 8 में। इसमें क्या होता है, छेड़खानी होता है, आपराधिक बल का प्रयोग होता है। इसमें क्या है, इसमें 5 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब यही मामला आता है, लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा लिख गया, यही सुनकर लोग घबरा जाते हैं और कई बार कचहरी में भी वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनसे ठगी कर ली जाती है कि आपके खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लिख गया है, अब तो ये बहुत गंभीर धारा में है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए, अगर आपके खिलाफ सेक्शन 7 व सेक्शन 8 लिखी गई है, तब इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा मामला नहीं होता है, इसमें सज़ा 5 से 7 साल तक की ही होती है। इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार भी नहीं करेगी, आपको 41A की नोटिस दे देगी कि भैया आपके विरुद्ध ये मामला लिख गया है, आप के संज्ञान में ये मामला रहे, इसकी विवेचना की जा रही है। अगर विवेचना में तथ्य पाया जाता है तो न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की जाएगी, वहाँ जाकर आप अपनी बेल करवा सकते हैं। अब दोस्तों जब आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी और आप भाई विवेचना में पूरा सहयोग करेंगे, अगर मामला गलत है तो विवेचना से खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर पुलिस आपके विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भी प्रस्तुत कर देती है, इन धाराओं में 7 और 8 में आपके विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करती है, तब आप न्यायालय में जाकर अपना बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे, उसके साथ में एक एंट्रिम बेल का भी एप्लीकेशन मूव करेंगे, और इसके बाद में आपको वहां से एंट्रिम रिलीफ दे दी जाएगी, इसके बाद में कुछ पेशी जब आप आएंगे इसके बाद में आपकी बेल परमानेंट कर दी जाएगी। अब आपका सवाल यह होगा कि आपने तो कह दिया अगर एंट्रिम ना दें हमें जेल भेज दें, ऐसा नहीं है। सत्येंद्र कुमार अंतिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसमें यह बताया गया है कि जो भी ऐसे ऑफेंस है जो बिलो 7 ईयर हैं वो कैटेगरी ए के ऑफेंस हैं, और कैटेगरी ए के ऑफेंस में अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है,
तब जब वो अपना बेल एप्लीकेशन मूव करेगा तो उसे इंटरिम रिलीफ दी जाएगी, ये स्पष्ट कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली सारे जिला अदालतों में इसे फॉलो करने के लिए अपना एक निर्देश भी जारी किया था। आपको अगर डर लगता है तो आप अपने बेल में जो लिख रहे हैं उसमें इस रूलिंग को कोट कर सकते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा प्रावधान दिया गया है, हमारी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट नहीं हुई है तो हमें इंटरिम रिलीफ तो ग्रांट करना ही चाहिए, और इंटरिम रिलीफ ड्राफ्ट करने के बाद में आपको रेगुलर बेल दे देंगे, आपको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि 500 एक्ट के तहत अगर आपके विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है तो उसमें आपको पहले ये देखना है कि 3 व 4 में लिखा गया है कि 7 व 8 में लिखा गया है। अगर 3 व 4 में लिखा गया है तब तो गंभीर प्रकृति का मामला है, तब तो आपके लिए बचना मुश्किल होगा। लेकिन अगर 7 व 8 में लिखा गया है तब आप बिना जाए बेल भी करवा सकते हैं और अपने ट्रायल को फेस करिए, अगर फर्जी मुकदमा होगा तो आप बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पॉक्सो एक्ट के बारे में जो प्रैक्टिकली नॉलेज जो चल रहा है, चूंकि पूरा बेयर एक्ट अगर आपको हम बताने लगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट होगा नहीं, जो प्रैक्टिकली हो रहा है समाज में उसी को बताना उचित होगा, तो आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।